हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनाइजिंग के पांच ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने प्री बोर्ड्स में भी देखने को मिलेंगे, बोर्ड्स में भी देखने को मिलेंगे। सो माय नेम इज सरज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज केस स्टडीज मिलेंगे। बिजनेस स्टडीज की हो, इकोनॉमिक्स की हो, अकाउंट्स की हो, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, अकाउंट्स के। सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग के मार्क्स एनहेंस होंगे, इंप्रूव होंगे। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दूंगा मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ये सब चीजें मिलेंगी आपको सिर्फ और सिर्फ ₹199 में। 199 में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आप लोगों का क्लास ट्वेल्थ का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, कॉमर्स क्लास ट्वेल्थ के बच्चों का। तो जो भी बच्चे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड कर दूँ। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सिर्फ ₹199 में दे रहा हूँ, जो कि एक पिज्जा का प्राइस होता है। एक पिज्जा के प्राइस में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ बन सकती है, तो इसको मत छोड़ना इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। देखो बच्चों, पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट फॉर्म में, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसका मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो कि कैसे आप लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक ही बार में 5 मिनट में याद कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं डेलीगेशन को लोएस्ट लेवल पे। क्या ये चीज सही है या गलत है, ये आपको बताना है। इसके साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोग डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस पूछता है वो, अदरवाइज वो एक केस स्टडी दे देता है और पूछता है बताओ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है डेलीगेशन की बात हो रही है। आप जौन सी भी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से याद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, डेलीगेशन को भी डिसेंट्रलाइजेशन को भी, साथ में दोनों के डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस स्टडी की फॉर्म में ही पूछा जाता है और डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। साथ में एक क्वेश्चन और आता है इस चैप्टर से जो कि है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। 4 से 5 डिफरेंस मिनिमम लर्न करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट्स को आप लोग लाइटली मत लेना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डेलीगेशन के एलिमेंट्स को पढ़ते नहीं अच्छे से, सोचते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा और वही एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम फिंगर टिप्स होने चाहिए अपने, एकदम पेन डाउन कर लो इन क्वेश्चंस को। जो सी बुक फॉलो कर रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से आप लोग इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे आंसर्स को ही फॉलो करो, आप जो सी बुक फॉलो कर रहे हो उससे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।